एक विधायक एक पेंशन नहीं होनी चाहिए? मैं तो इसका पक्षधर नहीं हूँ। अगर विधायक कोई चार टेन्योर रहा है तो उसने जनता की सेवा करी और उसके अंदर उसका जो भत्ता बनता है पोस्ट, अगर वो रिटायर हो जाता है और उसको दोबारा इलेक्ट नहीं करते तो मिलना चाहिए। आज के दिन मुझे लगता है देश के अंदर एक पंजाब को छोड़ के किसी प्रदेश में भी ये लागू नहीं। या तो हमारे विधायकों का टेन्योर भी आई एस अफसरों जितना हो कि वो आई एस अफसर जिस दिन सिलेक्ट होता है और 58 पे या 60 पे रिटायर होता है, और आजकल तो बड़ा अच्छा है, विधायक की तो बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है। जज और आईएएस अफसर तो सारे पोस्ट रिटायरमेंट भी पोस्टिंग ले लेते हैं 5-5, 7-7 सालों में। तो आज ये देखने की बात है कि इस तरह की सोशल डिबेट शुरू करने से पहले समाज को चारों तरफ से देखना चाहिए कि वो आदमी जो तनख्वाह लेता है या पोस्ट अपने टेन्योर पेंशन लेता है उससे उसका घर चलता है। और मुझे लगता है कोई ऐसा विधायक नहीं है जो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्चा ना करता। सारे विधायक सारे एमपी जितनी उनकी सैलरीज आती है या जो और भत्ते आते हैं उससे ज़्यादा तो उनका तेल लग जाता है। आज सिर्फ हम पॉलिटिकल लोग हैं इसलिए हमें कोस देते हो, और जो परमानेंट नौकरियों पर बैठे उनको कोसने का काम कौन करेगा? आप क्या मैं तो दो सीटों पर क्यों रुकूं? आज के दिन तो कांग्रेस के आपके जिले में चार विधायक हैं और हम तो चारों सीटों पर मजबूती से चलेंगे, और संगठन का काम तो हम 6 की 6 सीटों पर कर रहे हैं, और अभी विधानसभा से पहले तो लोकसभा है, मजबूती से इसके अंदर भी संगठन अपना काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा दावा करेंगे बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी तो लड़वा लियो दीपेंद्र को दोबारा, वो तो पहले भाजेगा लोकसभा से, देख लेना कि मैं टिकट नहीं मांगा। सर आप कह रहे हैं कि 2024 में ही पूरा राज बनेगा बीजेपी का, हम तो मेहनत करेंगे कि पूरा आए, और मेहनत करना चौधरी देवीलाल जी ने सिखाया भी है।